खत्म करें हम बैच को, इसमें हमने 3 महीने नहीं जाया कर देने। मेरा टारगेट है 25 डेज में ये खत्म हो जाए। आ जाओ। अरे वापस की कहीं आने ही ना दे, टाइम हो गया। थोड़ा आगे हो जाओ लड़को, तुम भी आगे हो जाओ, खुले खुले होके बैठो सामने। आ जाओ। वालेकुम अस्सलाम। हाँ ठीक हो गया। तो रूल्स ऑफ ऐसे राइटिंग लिख लीजिए, फिर वन बाय वन उनको डिस्कस कर लेते हैं। बहुत अजीब आजकल टाइम क्या हो, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाओ आप लोग, वरना दरवाजा बंद हो जाए। गुंडा लेना ना बैठ ना, हाँ चौके साइड से कर बैठ ना। अच्छा ठीक है, चलो लिखो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ कुछ चीज़ें आपको मैंने बतानी है। ऐसे में फेलियर इस वजह से नहीं हो रहा कि आपको लिखना नहीं आ रहा, आप यहाँ लिखते तो हैं काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं वो निकल जाती हैं। थोड़ा आगे हो जाओ ना ये लाइन में, मैं ज़रा हेलो आगे, आप सी आर एस के पीछे ये लाइन इधर, सर ऑफिसर आप इनके दरमियान आ जाए, आप आगे आ जाओ। वाली तदाद इस क्लास में वो आगे हो हमारे पाटा को राइट नहीं दे, तुम तो इधर किसी को राइट नहीं दे। सदार्थ आप जाए, हाँ ये इस तरह कल से बैठना है जी सर। ठीक है, ऑफिसर्स भी आ गए हैं, देखें ग्रेड 16 के गजेटेड ऑफिसर भी ऐसे बैठे हैं, क्या करें। अब जगह आप कहते हैं तो चेंज कर लेते हैं, खवातीन आती हैं मुझे उन्हें भगाना पड़ता है। ये तो खवातीन, ये तो सॉलिड किस्म की लड़की है, ये तो सीएसएस कर जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि यहाँ जो डेली आए जाए, कई मुझे मैसेज भिजवा रही हैं कि तुम हमें यहाँ पढ़ाते हैं, हमें यहाँ नहीं आना, कोई फुल फ्लेज सिस्टम बनाओ। अब मैं क्या करूँ, मुझे तो यहाँ से नहीं फुर्सत मिल रही, फुल फ्लेज सिस्टम बनाऊँगा मैं तो डाउनफॉल हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा, गिर जाएंगे। उसामा भी हमको थोड़ा साथ कर, इसको फंसा दिया लड़के हमारे को, तुम ठीक है नहीं ये जी नहीं उसको फंसा दिए, स्वीट कनेक्शन पे काम खराब हो जाएगा फिर वहां जाते जाते। अच्छा जी, अभी दो शहजादे और हैं, ये बैग उठाओ यार, बैग्स कल से ना लाना, देयर इज नो प्लेस फॉर द बैग्स, ओनली फॉर यू पीपल, इधर दे दे, इधर रख लेते हैं। थैंक यू मैम, मुझे देना है, खा लूंगा मैं, मजदूर आदमी हूँ मैं, काम कर सकता हूँ, मैं ले लूँगा आप थोड़े, मेरे अंदर वो चीज़ें नहीं है, किसी चीज़ ने तो उन्हें तबाह कर दिया, नौकरानियाँ रख रख के नौकर रख रख के सम गया, पानी भी नहीं उठ के पी लिया, फिर ओबेसिटी मोटापा बीमारियाँ, ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल, बुढ़िया कहने ने सुर्खियाँ लाइए पाउडर लाइए काम ना करना पड़े। तो पहुंच गए टाइम पे, पहुंचा करो, तुम्हारा 6 बजे टाइम है, 6 बजे आना है। ऐसे राइटिंग के रूल्स, बेसिक रूल्स, सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। खान भी आ गया, 3 ये आप आगे हैं, उधर होना, उधर मुझे लाइन बनाइए, आप इधर हो, ये तीसरी ऑफिसर इसके पीछे आप आ जाए, सीआर आप इसके पीछे आए, कम कम कम, कल इस तरह बैठने आ जा दिन तो बिठाने में जाएगा मुझे। हाँ डॉक्टर इनको बिठाओ। वालेकुम अस्सलाम। पठान आ गए? जी सर आ गए। आ गए और चाह गए, यार थोड़ा आगे हो जाओ, उनको थोड़ी जगह दे दो बस, थोड़ा थोड़ा बेटा आगे, नए आए हैं परेशान ना ना हो जाए, खान तो पुराना पापी है। बन गई है जगह, गुजारा हो गया। ऑफिसर आप थोड़ा इधर हो जाएं, इधर एक गैलरी में आ ले, नहीं नहीं गैलरी में नहीं, जगह चेंज करेंगे ना सर, यू नो ब्यूटीफुल गर्ल्स कम एंड दे ऑब्जेक्ट दैट यू आर टीचिंग एट एन ऑल्टरनेट प्लेस। लिखिए रूल्स ऑफ ऐसे राइटिंग, आ लिखने देखें कि मॉड्यूल सुन लीजिए, ताकि वो जिन्होंने आना है, आज हम ऐसे राइटिंग के रूल्स डिस्कस कर रहे हैं, डूज और डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना, ओवरऑल ऐसे राइटिंग में, ठीक है। कल से हम स्टार्ट कर देंगे, 3 तरह के ऐसे मैंने आपको पढ़ाने, नंबर 1 मैंने आपको प्रोवर्बियल पढ़ाना है,
जो चैलेंजिंग समझा जाता है, लोग कहते हैं लिखना भी नहीं चाहिए, वो हम करेंगे, आपको आएगा जब तक क्लास खत्म नहीं होगी, जब तक आप ये कह के नहीं उठेंगे कि ये हम लिख लेंगे, तब तक मैं नहीं जाने दूंगा। खान लॉक कर दो क्लासरूम को बस, ताकि कोई ऐसा ना हो दरवाजा खोले मेरे भाई के कमर पे दरवाजा लगे। अच्छा, नंबर टू इशू बेस्ड टॉपिक जो मैंने कहा था आप सबका फेवरेट है, उसके बाद फिर जनरल डिस्क्रिप्टिव ऐसे डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो अब लिखिए नंबर वन लिखिए, उसके बाद डिस्कशन है। तो हाँ, रूल्स लिखवा रहा हूँ, बेसिक जो रूल्स हैं जिनकी वजह से फेलियर हो रहा है बहुत ज्यादा, वो डिस्कस करने हैं ना। लिखिए नंबर वन, ऐसे मीन्स टू अटेम्प्ट टू डिस्कस, ऐसे मीन्स टू अटेम्प्ट टू डिस्कस नॉट टू डिफाइन, ऐसे मीन्स टू अटेम्प्ट टू डिस्कस नॉट टू डिफाइन। अच्छा, एक और बात मैं देख रहा हूँ, कुछ लोगों के हाथ बड़े कमजोर हैं, वो स्लो लिख रहे हैं। मेरे फेलियर से भी सीखिए, मेरी तरफ देखें, मैं लाहौर का नहीं हूँ, मैं रहीम खान से बिलोंग करता हूँ, आप अक्सर टाट वाले हैं मेरी तरह, ठीक है? हमारी राइटिंग स्पीड होती है स्लो, आप लोग मार खाएंगे, इसको इसको स्पीड अप करें। किस तरह करना है, डेली अपने आप को चैलेंज दें कि यार मैंने 6 पेजेस ये 20 मिनट में लिखने हैं, 30 मिनट में लिखने हैं, मैक्सिमम 6 पेजेस पे चला जाएगा ना एक क्वेश्चन जो है, कितना है ऊपर जाएगा, यानी 35 मिनट के अंदर मैंने ये 6 पेजेस लिखने हैं। तरीका क्या है, आपका जो हिस्ट्री का सब्जेक्ट है या कोई ऐसा सब्जेक्ट जो आपका बेहतरीन तैयार है, डेली कहें कि ये एक सवाल जो है, एक सब्जेक्ट जो है, ये जो चैप्टर है मैंने ये लिखना है, ये 6 पेजेस मैंने आधे घंटे में लिखना है। पहले 10-15-20 दिन आपको तकलीफ होगी, महीने के अंदर अंदर ये इतना कैपेबिलिटी आपके अंदर डेवलप हो जाएगी, ये हाथ में दर्द किए बगैर आप लिख लेंगे। अदरवाइज एक बात याद रखें, ये सिविल सर्विस का एग्जाम है, मैंने अटेम्प्ट पहले दी थी, तैयारी अच्छी की थी, मेरी राइटिंग स्पीड बहुत स्लो थी, किसी ने बताया भी नहीं, किसी ने समझाया भी नहीं, मेरे से लिखा ही नहीं गया जितना मैं लिखना चाहता था। एसए का पेपर बड़ी मुश्किल से मैंने मुकम्मल किया, 53 उसने मुझे मार्क्स दिए, अगर मुकम्मल करता तो शायद 60 देता, ठीक है? और फिर दूसरी अटेम्प्ट, क्योंकि एग्रीगेट में मैं फेल हो गया पहले में, दूसरी अटेम्प्ट में फिर मैंने ये गलती नहीं दोहराई। अटेम्प्ट से 2 महीने पहले मैंने इस तरह लिखना स्टार्ट कर दिया, ताकि आपकी राइटिंग स्पीड इस तरह स्पीड अप करें, वरना फिर पछताएंगे, पेपर वाले दिन फिर याद आऊंगा, या तो वाइट छत याद आएगी जो ऊपर है देखें, या फिर मैं याद आऊंगा। इससे पहले फेलियर्स भी हमारे आपके सामने, उनसे सीखें, बजाय इसके कि आप भी जाके फेल हों। लिखें नंबर वन, ऐसे मीन्स टू अटेम्प्ट टू डिस्कस, नंबर टू लिखें बी वेरी कॉशियस, बी वेरी कॉशियस, CAUTIOUS, बी वेरी कॉशियस अबाउट द चॉइस ऑफ योर एसे, बी वेरी कॉशियस अबाउट द चॉइस ऑफ योर एसे। सब जैसे आपकी वीक है पहले बता रहा हूं भाइयों को, ये ना हो के कहेंगे ये भी हमें किसी ने नहीं बताया था। Be very cautious about the choice of your essay. Number two likhiye. Three. Hit the target directly. Hit the target directly and there is no need to go irrelevant. Hit the target directly and there is no need to go irrelevant. क्योंकि यही लेक्चर है जिसमें आपको तेजी से लिखना है, बाकी तो फिर मैं सारा बोर्ड पे लिखूंगा। Hit the target directly and there is no need to go irrelevant. Make it clear in the beginning what you want to say. Make it clear in the beginning whatever you want to say. Make it clear in the beginning what you want to say. ऑफिसर की भी लैंग्वेज कमजोर है हाँ, ये लाजमी था बताना बेटे। देर मस्ट बी कनेक्टिविटी एंड कोहेरेंस, देर मस्ट बी, होने ना लोगों के हाथ से दर्द शुरू हो गया है, देर मस्ट बी कनेक्टिविटी एंड कोहेरेंस, देर मस्ट बी कनेक्टिविटी एंड कोहेरेंस इन योर आइडियाज एंड लैंग्वेज। देर मस्ट बी connectivity and coherence in your ideas and language. Avoid excess use of
अब डूज तो हो गया, अब डोंट ज्यादा है. अवॉइड एक्सेस यूज ऑफ. तेरे साथ वाला एक लड़का कहाँ है, वो बंदू भाई बाहर खड़ा हुआ है, कहाँ ना नहीं है जगह बना देते हैं. हाँ रेस्ट कर के जगह वो होता है. ये देखें खान को भी आसानी, खान आप थोड़ा उधर हो जाए. हाँ दिखा देंगे ये टाइम पे आए भाई, ये तो आप डिस्टर्ब कर रहे हैं आप हमें. आ जाइए आप, आ जाइए बंद करो यार अपना खोना खान, मैं भी कहूँ तो ना खोलना ठीक है. There must be connectivity and coherence in your ideas and language. आगे क्या लिखवाया था? Avoid excess. मैं रोक नहीं रहा, आप मेरे ऊपर फिर कुफ्र का फतवा लगा देते हैं. मैं excess कह रहा हूँ. Excess use of लिखें facts and figures, phrasal verbs. Avoid excess use of facts and figures, phrasal verbs and idiomatic phrases. And idiomatic phrases. Sir, writing का अगर गंदी निकले बंदा speed के चक्कर में नजर आए गंदी, पता क्या होगी? महीना किस लिए बताया? जब आप महीना इस पे लिखेंगे तो आप स्पीड में आप साफ लिखना सीख जाएंगे खान साहब. साफ और सर एक अच्छी साफ लिखेंगे, साफ लिखेंगे यानी लेजिबल हो, समझ आ रहा हो. क्वेश्चन एंसर सेशन बाद में करेंगे. डोंट वरी, आपको सेटिस्फाई करके भेजेंगे. डिक्टेटरशिप नहीं है, चार पांच साल पहले होती थी, खत्म कर दी. जी क्या लिखा है? बिल्कुल ठीक है. लिखिए यू कैन नॉट गो द स्टेट एंड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान. कुछ चीजें लाजमी है ये बताने वाली. यू कैन नॉट गो अगेंस्ट द स्टेट एंड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान. सियर आप जरा आगे जगह है उसको भी आगे करो, पीछे लोग फंसे बैठे हैं. कल से मैं लाइन से बनाऊंगा, आगे नहीं बन सकती. जी यू कैन नॉट गो अगेंस्ट द आइडियोलॉजी एंड स्टेट ऑफ पाकिस्तान. यूज ऑफ आई एंड वी इज प्रोहिबिटेड. यूज ऑफ आई एंड वी इज प्रोहिबिटेड. आगे लिखे हैं हाउ टू टैकल. ये अगला पॉइंट है, हाउ टू टैकल स्टेटमेंट्स. उसे कहो चला जाए यार, दरवाजा ना खोलो. शीशे से जिसको नजर आ रहा है उसे इशारा करो चले जाए. हाउ टू टैकल स्टेटमेंट कैरियिंग वर्ड्स लाइक एंड ए एन डी एंड और देन टी एच ए एन एंड और आएगा ओ आर और T H A N then. ठीक हो गया. And or then. Then T H A N. कितने हो गए हैं? नौ. Support your stance. Support your stance with logical. Support your stance. With logical examples, ideas, and evidence. बढ़ती जा रही है, इससे लंबा होता जा रहा है. वैसे मैं चीजें बढ़ा रहा हूँ क्योंकि तकलीफ तो है ना, बहुत सारी ओपिनियंस हैं, बहुत सारे आइडियाज हैं. एवरीवन हैज हिज ओन ओपिनियन अबाउट दिस. एवरीवन इज अ राइटर जस्ट लाइक सर फ्रांसिस बेकन. एक और लिख, अवॉइड कॉम्प्लेक्स लॉन्ग एंड वेग सेंटेंसेस. ये भी जरूरी है, अवॉइड कॉम्प्लेक्स लॉन्ग एंड वेग सेंटेंसेस. Avoid complex, long and vague sentences. इस इनमें गलती का अंश ज्यादा होता है.
आगे लिखें, यू कैन नॉट यूज स्लैंग्स, यू कैन नॉट यूज स्लैंग्स एंड इनफॉर्मल वर्ड्स. Like mom, guy, GUY, guy is फलाना फलाना जो आप लिखते हैं. Slangs वगैरह जैसा braggadocio, ambidextrous, ठीक है, ये सिर्फ composition में काम आएंगे. अब pen छोड़ दें, discussion करते हैं. क्या ये बच्चों की तरह जो बचपन से चल रहे लिखवाना, मुझे तो आप बच्चे कह रहे हैं 5 घंटे का लेक्चर क्यों नहीं देते. मैं फिर तो स्कूल में भी उस्ताद चाय खाता, खुद खाता था, हमें लिखवाता था, और स्कूल में भी वह लेक्चर दे के चले जाए. आपने क्या करना है, आप ट्रेन होने आए या बस लेक्चर सुनने आए. नंबर वन पढ़े जी, आप में से जिसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक है, आवाज जरा मेरी तरह उसका गला स्पीकर की तरह बजता है अगर, तो वो पढ़े ताकि मैं वन बाय वन इनको अब एक्सप्लोर करूँ, इनको एक्सपेंड करूँ, उन पर डिस्कशन होनी है. ऐसे नहीं क्लैरिटी आएगी. Essay means to attempt to discuss. मैंने क्यों बताया, इधर मेरी तरफ देखें. कभी भी essay की definition नहीं देनी, number one. कभी essay का background नहीं देना, number two. कभी meaning नहीं बताना. अगर उसने meaning पूछना होता तो meaning and purpose and education वाला essay ना आता कभी भी. समझ आ रही है? Democracy पे essay आता है, उसकी आप definition लिख देते हैं, फिर लिखते हैं ये demos और kratos से derive किया गया, ये चीजें नहीं है, बचकाना बातें हैं. यहाँ डायरेक्टली आपने टॉपिक को डिस्कस करना है. साइंस का कोई बैलेंस डाइट का क्वेश्चन नहीं है, डॉक्टर बैठे हैं कि इसमें आपने डिफाइन करना है. एग्जामिनर इतना समझदार है, उसे पता है कि उसने आपको क्या चीज दी है. मीनिंग की जहां तक बात है, आपने अपनी स्टेटमेंट को इस तरह खोलना होता है, इस तरह डिस्कस करना होता है, पढ़ने वाले के लिए ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाए कि इसका मीनिंग क्या है, बजाय इसके कि आप बताएं कि दिस मीन्स ना और फलाना, इस तरह नहीं. समझ आ गया? Yes. अगर डिक्शनरी में भी जाके हम ऐसे के मीनिंग को जाके अनर्थ करते हैं, वो है टू अटेम्प्ट टू डिस्कस नॉट टू डिफाइन. वो भी आपसे यही चाह रहा होता है कि डिस्कोर्सेस हो, लंबी डिस्कशन हो, एक्सप्लेनेशन हो, नरेशन हो, यानी कोई आप वाक्य भी नरेट करें, कोई बात करें. ठीक है, आगे चलो. यानी डायरेक्टली डिस्कस करेंगे. नसर का पेपर है. उर्दू नसर किसने पढ़ी आप में से? उर्दू नसर पढ़ी है ना आपने. रसल को किसने पढ़ा है? इसीलिए तो तू बातें लिख लेता है ना, ये हाल है. फिर इनको कैसे आपको पता चलेगा ऐसे क्या होता है? सर फ्रांसिस बेकन को आप पढ़ेंगे, जब मैं आपको कहूंगा कि करंट अफेयर का पेपर उसे ना बनाएं और आप ज्यादा फैक्ट्स एंड फिगर ना मारें, तो फिर आप लड़ पड़ेंगे. मसला ये है कि रसल बेकन जैसे लोगों को जब आप देखेंगे, उन्होंने वर्ल्ड वार पे लिखा, क्या उन्होंने बताया इतने लोग मारे गए, इतनी कैजुअलिटीज होंगी, इतने बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ इकोनॉमी को. बहरहाल ऐसे को डिस्कस करना, डिफाइन नहीं करना. आगे चलें, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की तरफ चलते हैं. आगे चलें. बी वेरी कॉशियस अबाउट द चॉइस ऑफ योर एसे. 90% लोग एसे में फेल होते हैं, 8% रिजल्ट है. 92% लोग फेल हो जाते हैं एसे के अंदर. 92 में से 41% वो लोग हैं जो टॉपिक को अनअर्थ नहीं कर पाते कि टॉपिक की रिक्वायरमेंट क्या है. 5 क्लासेस मैंने आपकी रखी है जिसमें हम 5 साल के पेपर सॉल्व करेंगे, हर टॉपिक को डिस्कस करेंगे. वो एंड पे है लेकिन जाके ऐसे के टेक्निक्स के, ताकि आपको पता चले अनअर्थ कैसे करना है टॉपिक को, अंडरस्टैंड कैसे करना है, क्या वो रिक्वायरमेंट है, उसकी क्या कहना चाह रहे हैं. जब भी आप चॉइस करने लगे, इधर मेरी तरफ देखें. आप लोग क्या करते हैं कि मैंने यूनिक कैसे लिखना है. भाई अल्लाह के बंदे, तूने यूनिक तो लिखना है. पता चले 3-4 पेजेस पे जाके आप एग्जॉस्ट हो गए, आपसे आगे लिखा नहीं जा रहा. मेक बेस्ट चॉइस. ठीक है, 3 टॉपिक्स देखें, गौर करें कि ये 3 रिलेटिवली मेरे लिए आसान है, मैं इन पर ज्यादा लिख सकता हूँ. फिर उन 3 में से 1 चूज करें. वो कौन सा होगा? सबसे ज्यादा जिसके मुताबिक आपके पास आइडियाज हो, जिस पे आप सबसे ज्यादा लिख सकते हो, आपको लगे कि आप उसकी स्टेटमेंट को मुकम्मल समझ रहे हैं और आप उसे जस्टिफाई करने में कामयाब हो जाएंगे, एक अच्छी आउटलाइन बना लेंगे. ये ना हो कि चॉइस आप गलत करें, कोई मुश्किल इस तरह का जैसे 8 for 20 जैसे ऐसे आ जाते हैं, फिर आप रोएंगे बैठ के, लिखा नहीं जाएगा आपसे. ये पहला स्टेप है कामयाबी की तरफ. इसके साथ साथ एक और चीज भी मैंने नोट की है, तैयारी कराने के बावजूद, इतना प्रैक्टिस कराने के बावजूद, सारा कुछ कराने के बावजूद, देखते हैं कि लड़का फेल हो जाता है. अपनी नर्वसनेस से भी जान छुड़ाएं. पता नहीं आपको किस चीज की नर्वसनेस है. अक्सर आप में से चाहते हैं कि हमें काउंसलिंग दी जाए. CSS ऐसे लोग नहीं करते. परसों भी बात हुई है, आपने मेरी काउंसलिंग कर दी, मैं बड़ा कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ. ऐसे लोग क्या CSS करेंगे?
भाई ये तो सेल्फ मोटिवेटेड लोग करेंगे ना, अगले के मुंह से लुकमा निकालना है, कंपटीशन का एग्जाम है। हमारे दौर में 14 होता था, आपके दौर में 50,000 लगड़ बगड़ एक ही सीट के पीछे भागे जा रहा है, 200 सीटों के पीछे। उसमें से चलो 15-20 हजार तो सीरियस है ना, फिर कंपटीशन जाके 4-5 हजार लोगों में होगा एंड पे। तो टॉपिक को सिलेक्ट करना मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप सही टॉपिक सिलेक्ट करेंगे, वो टॉपिक सिलेक्ट करें जिसकी स्टेटमेंट आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ रही है। ज्यादा यूनिक बनने की कोशिश ना करें, हम सारे मिलते जुलते हैं, कोई यूनिक नहीं है। हम खुद पास हुए हैं, वो ऐसे लिखा था जिसने सब, जो सबने लिखा था, हम तो पास हो गए। ये यूनिक बनने के चक्करों में ना मारे जाइएगा। यूनिक आप अपने अंदर हैं, आपका खान का अपना स्टाइल है, डॉक्टर का अपना है, ये कस्टम्स ऑफिसर्स का अपना स्टाइल है लिखने का, हर बंदे का एक्सपीरियंस अपना, हर बंदे की वोकैबुलरी अपनी, आइडियाज डिफरेंट हैं, किसी बंदे के आइडिया नहीं मिलते, हर बंदा डिफरेंट तरीके से लिखता है, वो काफी है यूनिक होने के लिए। मकसद ये है कि जिस टॉपिक पे आप अच्छे तरीके से लिख सकें, उसकी स्टेटमेंट को समझें। मेरे साथ एक लड़का रहता था, पेपर देकर आया, मैं इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था, ऐसे आया था, पोस्ट मॉडर्न इथोस अ चैलेंज फॉर द वेस्ट। अब आके वो इथोस का मीनिंग देख रहा था डिक्शनरी में, ऐसे लिखा है, क्या फायदा हुआ भी? आप इस तरह की चीज लेकर क्यों जा रहे हैं जिसमें आपको कंफ्यूजन है? आप ऐसा टॉपिक सिलेक्ट कीजिए कि उस पर आपको ग्रिप हो, आप 100% श्योर हो जो मैं करने जा रहा हूँ ठीक करने जा रहा हूँ। कन्फ्यूजन्स माइंड में रहेंगे, आप सही नहीं लिख पाएंगे। ये इतनी ज्यादा बक बक करने की जरूरत इस पॉइंट पे इसलिए जरूरी है कि 50% लोगों को ये चीज फेल कराती है, इररिलेवेंट हो जाना। जी आगे चल, हिट द टारगेट डायरेक्टली एंड देयर इज नो नीड टू गो इररिलेवेंट। जो आपसे पूछा गया उधर बताएं। आपकी जो थीसिस स्टेटमेंट है जी, वो स्टेटमेंट जिसमें मैं बताने जा रहा हूँ कि मैंने ऐसे को इस तरह डिस्कस किया है, पहले 4-5 सेंटेंसेस में दे दें, बहुत ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, उसको छोड़ दीजिए जी। एक वेग जनरल स्टार्ट होता है, फलाना होता है, इस तरह नहीं। उस वेग जनरल स्टार्ट में हम क्या लिखेंगे भी? इधर उधर की बातें हम करेंगे, नॉट एट ऑल। जो भी आपको आता है टॉपिक के बारे में, आपको अंडरस्टैंडिंग है, डायरेक्टली टॉपिक से स्टार्ट कीजिए, स्पेसिफिक टू जनरल आप जाएंगे, कोई जनरल टू स्पेसिफिक जाने की जरूरत नहीं है। समझ आ रही है ना? टॉपिक को डायरेक्टली अनर्थ करना है, पहले 5-6-7 सेंटेंसेस में बता दें कि आप क्या कहना चाहते हैं। आगे चलें, मेक इट क्लियर इन द बिगनिंग व्हाट यू वांट टू से, यानी शुरू शुरू में बता दें आपका आइडिया क्या है, व्हाट आई से, व्हाई आई से सो, हाउ आई एम गोइंग टू प्रूव माय पॉइंट। बस ये तीन चीजें इंट्रोडक्शन की बहुत है, मैं आगे बताऊंगा। आगे चलें, देयर मस्ट बी कनेक्टिविटी एंड कोहेरेंस इन योर आइडियाज, कनेक्टिविटी एंड कोहेरेंस इन योर आइडियाज, बात से बात निकलनी चाहिए। खान इस क्लास में आना चाहता था, उसे दो जबरदस्ती ले आया, तो फिर वो गाड़ी शाड़ी स्टार्ट की, निकले तो पता चला पेट्रोल भी कम था, जाके पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाया, मुख्तलिफ जगहों से गुजरते हुए पटियाला पहुंचे तो देखा उन्होंने सारा रोड उखाड़ा हुआ है, गैस की नई पाइपलाइन डाल रहे हैं। खान ने अपने दोस्त को कहा कि हमें तो कहाँ ले आए, आए तो वो बड़ा क्लासरूम एक्सेप्ट कर रहे, यहाँ तो एक काम संभाल था। ये बात से बात निकलनी है, यूनिटी ऑफ टाइम और प्लेस होता है, जो इवेंट पहले हुआ पहले बयान होगा। तो बात से बात निकालने का ये फन आपने सीखना है। इधर ऐसा ना हो कि अचानक इतना आप गैप क्रिएट करें कि पहले आप डेमोक्रेसी डिस्कस कर रहे थे, पता चले आप कहाँ चले गए पॉलिटिकल साइंस की तरफ। जो बात आपने करनी है उस बात को सही तरीके से पैराग्राफ में जस्टिफाई करना है, फिर नई बात की तरफ आप जाएंगे। ठीक है जी, अवॉइड एक्सेस यूज ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स, फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियोमेटिक फ्रेजेस। मैं मना नहीं कर रहा, मना नहीं कर रहा। अब मैं कैसे चेक कर रहा हूँ, उसमें 15 के करीब वो कोटेशंस लिख रहा है। मैं कह यार तुझे याद रहेंगी इतना? मुझे याद है, मैंने कहा अगर तुम्हें याद है तो फिर लिख लेना। और हर जो उसका क्लाइमेट चेंज पे लिखा हुआ, ऐसे हर सेंटेंस के अंदर करंट बात कर रहा है, हर पैराग्राफ के अंदर इस तरह लिख रहा है जैसे हम कोई करंट अफेयर्स के ऐसे लिख रहे हैं। भाई ऐसे तो आइडियाज के ऊपर चल रहा होता है, ठीक है वो करंट है या ओल्ड है, जो बात आपने की उसे जस्टिफाई करें। आपके हर सेंटेंस में ये तो नहीं है 25%, 30%, 40%, 50%, रिपोर्ट कार्ड लिखने नहीं जा रहे। रिपोर्ट में और ऐसे में फर्क तो होगा, ठीक है ना? आपने ये लिख दिया कि यार पाकिस्तान का लिटरेसी रेट जो है वो लो है, 59% है या 60% है, फिर आप ये लिखने लग जाएंगे इतने स्कूल आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, इतनी कुर्सियां, इतने मेज है। Essay is not all about these facts and figures, phrasal verbs. बाकी phrasal verbs, idiomatic phrases इसलिए ज़्यादा नहीं, अक्सर तो आपको पता ही नहीं होता। अब मैं आप पूछ लूँ, मुझे बताएं put out का क्या मतलब होता है?
बताएं आप में से, खत्म हो गई बात आग बुझाना, तो जिन चीजों को पता हो वो यूज करने हैं, आगे चलें। You cannot go against state and ideology of Pakistan. पाकिस्तान के आप बहुत बड़े फिलोसफर होंगे, लिबरल होंगे, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी और स्टेट के खिलाफ आप नौकर बनने जा रहे हैं, ब्लडी नौकर ऑफ द स्टेट। तो नौकर नहीं सर उठा सकता ऊपर, कुचल दिया जाएगा वो सर। तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान और आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के गवर्नमेंट की धज्जियां उड़ा दें, लेकिन पार्शल रहें, बेनजीर को गालियां ना दें, इमरान खान को गालियां ना दें, नवाज शरीफ को गालियां ना दें, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेके ज्यादा क्रिटिसाइज ना करें। अपने आप को हॉट वाटर्स और ट्रबल वाटर्स में ले जाने की जरूरत नहीं है। आप नवाज शरीफ की तारीफ कर रहे हैं, अगला पीटीआई वाला चूतिया यूथिया हो तो फिर क्या होगा, समझे ना? यानी वी लिव इन अ डिवाइडेड सोसाइटी, पीपल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ ओपिनियंस ओवर हियर, एंड वी आर ऑल ऑफ अस आर बायस्ड। पठान बैठे हैं अभी, मैं पठानों के खिलाफ बात करूं उनको बुरा नहीं लगेगा, तो फिर लोगों के एफिलिएशंस तो है ना, फौज का खिलाफ भी नहीं बोलना। पश्तून तहफ्फुज़ मूवमेंट वहीं तक रखनी है, इधर जालिम लोग हैं हमारे, ऐसे नहीं हमने फेल करना, ऐसे पास करा लेंगे फिर अपने राइट्स के लिए लड़ते रहेंगे। आगे चलें, यूज ऑफ आई एंड पता चला ना, पार्शियल नहीं होना, आपने इंपार्शियलिटी का अंसर कायम रखना है, इसीलिए तो आई हुई चला गया ना, आई कहां से आया। चलो आगे चलें, हाउ टू टैकल स्टेटमेंट्स कैरिंग वर्ड्स लाइक एंड और देन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर मेरी तरफ देखें, जिनको सेंटेंस जिनको स्टेटमेंट्स में आए देन या और, जैसे है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अ ब्लेसिंग और अ कर्स, तो आप क्या कहेंगे, क्या स्टांस लेंगे, आप ही तो बताइए आपका क्या आइडिया है, बताए ना, मैं लड़ थोड़ी रहा हूँ। और इम्पोर्टेंट चीज है, एक साइड पे जाना है। अगर आप ज्यादा रैशनल हैं, आपको ज्यादा यानी कि ग्रिप है टॉपिक के ऊपर, जैसे उसने कहा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ ब्लेसिंग और कर्स, तो फिर आप लिखेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्लेसिंग है, कुछ लोग इसे कर्स बनाने की कोशिश करते हैं, उनके इसके पीछे अपने जाती इंटरेस्ट इन्वॉल्व होंगे। टेक्नोलॉजी का क्या कसूर है, वो तो एक कर्स नहीं है, आपकी लाइफ परफॉर्म कर दिया, ई गवर्नेंस है, ई कॉमर्स है सारा, ऑनलाइन क्लासेस आप ले रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेसेस कर रहे हैं, पेंडेमिक में आपकी लाइफ को इंटैक्ट रखा, व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग आप करते हैं, पहले तो खत लिखते थे और पता नहीं कितना कितना वेट करते थे, कितना आपकी लाइफ के अंदर आसानी पैदा कर दी है। अब टेररिज्म आपके मुल्क में उस दाता हुजूर का आता है और आपको सिग्नल जो है सस्पेंड करने पड़ते हैं, तो मसला तो सोच में है ना, टेक्नोलॉजी का कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। देन जैसे एक ऐसे है, सिटी लाइफ इज बेटर देन कंट्री लाइफ 2013 में, सिटी लाइफ शहर की जिंदगी, कंट्री लाइफ देहात की जिंदगी, मैंने लिखा है वो बुक में, मैंने लिखा कि शहर की जिंदगी पाकिस्तान में बेहतर है, मल्टीनेशनल के ऑफिस यहाँ पे हैं, हॉस्पिटल ज्यादा यहाँ पे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शहरों में हैं, लोग शहरों में रोजगार तलाश करने आते हैं, बिजनेसेस भी करते हैं, नौकरियां भी करते हैं, ओवरऑल शहर की लाइफ बेहतर है, कोई आइडियल नहीं है, बेहतर है। मैंने ये भी कहा कि मैं इस कहते कहते मैं ये नहीं कह रहा कि देहात की जिंदगी बिल्कुल गलत है, वहां कोई कीड़े मकोड़े रहते हैं, लेकिन जब कहा गया सिटी लाइफ इज बेटर देन कंट्री लाइफ या कंट्री लाइफ इज बेटर देन सिटी लाइफ, दोनों का कंपैरिजन किया जाए, खान कहां चला गया है, पख्तून कहां चला गया है, आपकी बात है। अच्छा, तो सिटी लाइफ इज बेटर देन कंट्री लाइफ, मकसद एक ही साइड आपने पकड़ी है, दूसरी बात आप कर सकते हैं रैशनली, वो भी आपके आइडिया को सपोर्ट करेगी, समझ आ रही है ना जी। ये ना हो कि वो डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान होप्स एंड हर्डल्स, ऊपर लिखा होप्स में लिखा के इंडिपेंडेंट जुडिशरी और हर्डल्स में लिख दिया जी नेगेटिव रोल ऑफ जुडिशरी, अपनी बात को नलिफाई नहीं करना। आगे चलें, सपोर्ट योर स्टांस विद लॉजिकल एग्जांपल्स आइडियाज एंड एविडेंस, आपके पास जो भी एविडेंस है, एग्जांपल्स हैं, कोटेशंस हैं, जिस तरह आप अपने आइडिया को लेकर चल सकते हैं, लॉजिकल बात हो, बचकाना बात ना हो, प्रॉब्लम वाले ऐसे में जो आपने सजेशन देनी हो प्लॉजिबल सजेशन हो, उनको इम्प्लीमेंट भी किया जा सके, ये ना हो कि आप एलियन सजेशन हैं जो कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करना उनको इम्पॉसिबल हो जाए जी। Avoid complex, long and vague sentences. लंबे वेग और कम्प्लेक्स सेंटेंसेस नहीं लिखने, उसमें होता है कहीं कॉमा कहीं फुल स्टॉप इश्यूज आ जाते हैं, आप फिर लंबा फिक्रा इतना कर जाते हैं कि वो मीनिंग भी उसका क्लियर नहीं होता। मैं ये नहीं कहता कि आप तीन तीन वर्ड्स के सेंटेंसेस लिखने लग जाएं,
सात आठ वर्ड्स का सेंटेंस आइडियल होगा, 25 वर्ड्स का सेंटेंस अच्छा नहीं होगा। सारे ऐसे ना हो, कुछ तो आ जाएंगे नेचुरल, हम लिखते हैं रट्टा तो नहीं लगाया हुआ, लेकिन ऐसा ना हो कि सारे जो आपके सेंटेंसेस हैं वो लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स हों। जी, कहीं कॉमा भी ना लगा तो वो फिक्र गलत होता है, याद रखिएगा, क्योंकि कॉमा पंक्चुएशन मार्क का हिस्सा है ग्रामर का। जी, यू कैन नॉट यूज स्लैंग एंड इनफॉर्मल वर्ड्स। ये गाय हो गया, मॉम हो गया, इस तरह के वर्ड्स आपने यूज नहीं करने। दूसरा एक और बात, ऐसे लिखते वक्त आप वर्ड्स एब्रीविएट भी ना करें। MBBS जैसा वर्ड्स आप एब्रीविएट कर जाएंगे, ये डॉट और ये कांत वांत ना करें। आप चेक होने जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, रूल्स हैं, अपोस्ट्रोफी का रूल है, उसमें वर्ड्स को एब्रीविएट करने में इसका रोल है, लेकिन वहाँ आप पूरे पूरे वर्ड्स लिखेंगे, अंडरस्टैंडेबल हो जो भी बात करें, वरना फिर वो उसका कोई फायदा नहीं होगा। जी, खत्म। अब वन बाय वन जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं इससे के मुताबिक, ये जनरल बातें हैं, स्पेसिफिक तो कल से स्टार्ट कर देंगे ना, इंट्रो से स्टार्ट कर देंगे। ये जो ग्रीक वर्ड या फिर ये वर्ड आते हैं इंग्लिश में, जरूरत नहीं है इतना ज्यादा, वो तो मैंने रोक दिया, जो बातें अंडरस्टैंडेबल है सीधी है वो करनी चाहिए। कोई और क्वेश्चन? रोशन सो रहा है। जी सर, डेफिनेशनल पैराग्राफ लिखने की कौन सा वाला? कौन सा वाला? आउट ट्रेंडिंग, मतलब अजीब सा, कौन सा वाला अजीब टॉपिक कोई आ जाए, जैसे वो है पॉलिटिकल पोलराइजेशन, तो उसकी जरूरत है डेफिनेशनल पैराग्राफ लिखने की? नहीं जरूरत है, वो कह रहा है पॉलिटिकल पोलराइजेशन नहीं है, वो टॉपिक आया था पोलराइज्ड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। अब हमें यहाँ डिफाइन नहीं करना, आपने बताना है कि जी पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स जो है वो डिवाइडेड है एथनिक लाइंस पे, रिलीजियस लाइंस पे, मैनिफेस्टोस पॉलिटिकल पार्टीज के नहीं मिलते, आइडियोलॉजी नहीं मिलती, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एजेंडा है, मुल्क के मामलात को हल करने के लिए कंसेंसस डेवलप नहीं करते, अपोजिशन कहती है गवर्नमेंट को गिराना है, गवर्नमेंट कहती है अपोजिशन को कैसे कर्टेल करना है, और किसी भी मामले के ऊपर, पॉलिसी मेकिंग के ऊपर, एनी इशू कंसर्निंग नेशनल इंटरेस्ट, कोई किसी किस्म की यूनिटी वो नहीं इवॉल्व कर पाते, जिसकी वजह से इन फैक्टर्स की वजह से पॉलिटिक्स जो है पोलराइज्ड है। कोई नेशनल पार्टी है, सिंगल नेशनल बड़ी पार्टी है जो हुकूमत बनाने के लायक हो? PTI ने भी कई इत्तेहादियों को मिला के हुकूमत बनाई हुई है, ये रीजन्स में एथनिक लाइंस पे, आइडियोलॉजिकल लाइंस पे और रिलीजियस लाइंस पे पार्टीज आपकी बटी हुई है पाकिस्तान में, यानी पॉलिटिक्स पोलराइज्ड है, एक एक छोटे छोटे इशू पे लड़ते हैं, डैम बना तो दूर की बात है, बंदर क्या बनाएंगे। अब इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, उसके लिए क्या क्रिएट है वो आप लिखेंगे, काहे की डेफिनेशन है पोलराइज्ड पॉलिटिक्स ये होती है। जी, और कुछ? खत्म। सर, हाउ टू टैकल स्टेटमेंट्स वो आर एंड और वो जो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर, उसको ये है कि यानी स्टैंस, बाज लोग क्या करते हैं अगर आ जाए ना कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या ब्लेसिंग और कर, वो दोनों लिखाते हैं, कर्स भी है ब्लेसिंग भी है, एग्जामिनर कहता है कि फिर आपकी ओपिनियन कहाँ है, वेयर डू यू स्टैंड, समझिए ना, ये आइदर आर और नाइदर नार का रूल तो आपको थोड़ा पता ही होगा ना, आप क्या कहते हैं यार, या तुमने चोरी की है या तुम्हारे भाई ने की होगी, आइदर यू आर योर ब्रदर हैज स्टोलन, दोनों तो नहीं है ना, तो वो और या ये है ये है, आप भी एक साइड लेकर चलेंगे। अब देन वो भी उसी तरह आ गया, एंड वाला रह गया था, जैसे डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान होप्स एंड हर्डल्स, एंड आ गए, ये दोनों चीजें डिस्कस होंगी, ग्लोबलाइजेशन प्रोज एंड कॉन्स, वो आप दोनों चीजें डिस्कस करेंगे। वो रह गई थी, वेरी गुड, अच्छा सवाल है। बस सर, वो इधर आने से पहले सर जितनी भी चीजें, मतलब नोट्स वगैरह या एक टीचर भी थे, मैंने उनसे भी पढ़ा था आप सिंपल सेंटेंस लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलते, कॉम्प्लेक्स लिखेंगे। आपने बात कन्वे करनी है, ठीक है, और एक और बात आपको बताऊं, जब आप खुद से लिखते हैं, एसे इज ऑल अबाउट क्रिएटिव राइटिंग, आपके जो आपके पास अपनी वोकैबुलरी है उस बेसिस पे लिखेंगे ना, क्या चाहेंगे कि फैब्रिकेटेड स्टाइल ऑफ राइटिंग हम अडॉप्ट करें, जिसमें हम कम्प्लेक्स जो मोटे मोटे वर्ड्स हैं उनको रट्टा लगाएं और वो एडजस्ट करें। व्हेन यू राइट इन अ क्रिएटिव वे, यू आर ऑलवेज गोइंग टू कन्वे योर मैसेज इन अ सिंपल वे। ठीक हो गया, ये कंसेप्ट के खिलाफ बड़ी पुरानी जंग चल रही है, फिर जो वे लोग कामयाब हो जाते हैं वो लोग मानते हैं,
मेरा एक बैचमेट है एसपी है पुलिस में, उसकी सिस्टर मेरे पास आती, मैंने क्या कहा है उसने तुम्हें, कह रही थी वो तो कह रहे बस सादा लिखना है ताकि जान छोटे ऐसे पास हो जाए। थिंक अबाउट इट, रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं बंदा नहीं कर सकता, रिकॉर्डिंग्स बंद कीजिए, रिकॉर्डिंग्स बंद करें। यूट्यूबर्स हैं हम या ओवरऑल जो भी चल रहे हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने एग्जाम दिया सक्सेसफुल हुए और पढ़ाना शुरू कर दिया, कितने लोग हैं? टीचिंग तो हम इस वजह से करते हैं, हमें कोई और प्रोफेशन अडॉप्ट नहीं हो पाता, कहीं और हमारा काम नहीं बनता। आपने अपनी बात कन्वे करनी है, वट एवर द स्टाइल इज, लेकिन ये माइंड में ना रखिएगा कि मैं बड़े बड़े कम्प्लेक्स सेंटेंसेस और मोटी मोटी वोकैबुलरी लगाऊं तो पास हो जाऊंगा। क्लैरिटी रखनी है, आपने पास होना है। पता नहीं 70 साल का बाबा आपका पेपर चेक कर रहा है, कौन पेपर चेक कर रहा है, इससे बड़ी बातें निकलती हैं। मैं आपको समझा रहा होता हूँ सामने, आप मुझे समझा रहे होते हैं, हमें सामने नहीं एक दूसरे की बात समझ आ रही होती, हम लड़ रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, उस बंदे के सामने आपका पेपर जाना है, 70 रुपए मिलने हैं उस बंदे को या 100 रुपये आपका पेपर चेक करने है, 1000 तो मिलना नहीं। सीएसपी अफसर आप बनने जा रहे हैं, वो नहीं बनने जा रहा, इतना सा टाइम देगा आपको 7 मिनट, ले लीजिए जितना टाइम आप उससे ले सकते हैं। तो बात में आपने क्लैरिटी रखनी है, अपना मैसेज कन्वे करना है, इल्मियत नहीं झाड़नी, ठीक है? जहन में हो कि मैंने एग्जामिनर के सामने अपने आप को एक्सप्रेस करना है, इंप्रेस नहीं करना। जब आप एक्सप्रेस कर रहे होंगे खुद ब खुद इंप्रेस हो जाएगा। एग्जामिनर मार्केट में बैठा हुआ रट्टे लगाया हुआ तोता नहीं है, एक आम आदमी है। वर्ड्सवर्थ ने कहा था ना कि लैंग्वेज ऑफ पोएट्री इज द पोएट्री ऑफ कॉमन मैन, फिर वो कॉलरेज जैसे लोग थे वो उन्होंने उसका गरेबान पकड़ लिया, तुम कैसे कह रहे हो, ये तो हाईली इंटेलेक्चुअलाइज्ड फॉर्म ऑफ एक्टिविटी है। बहरहाल आपने अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करना है, आपकी जो ओरिजिनल स्टाइल ऑफ राइटिंग है जो आपका है वो बिल्ड होता है साफ जरा आप रीडिंग करते हैं, जितने अच्छे आप रीडर होंगे उतनी अच्छी आपकी वोकैबुलरी होगी। लेकिन मैं अगर आपको कहूं कि फॉर द सेक ऑफ ऐसे आप रट्टा लगाएं वर्ड्स और मोटे मोटे कॉम्प्लेक्स नहीं लिखें सर, ये जो और कुछ सर, ये जो आपने बात की जो एंड आर और देन वाले टॉपिक्स होंगे जी जी सर, उसमें जो टेक्नोलॉजी इज अ कर्स और ब्लेसिंग जी जी, तो इसमें सर एक को सेलेक्ट करना है दूसरे को बिल्कुल ही मतलब टच नहीं करना। टच किया है हमने, देखे ना जब हमने कहा है कि जो वो एक ब्लेसिंग है लेकिन कुछ लोग इसे कर्स बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनके अपने इंटरेस्ट हैं उसके पीछे। टच भी किया, बात भी हम अपने ही कंसोलिडेट कर रहे हैं ना, यानी ओपिनियन आप बदलेंगे नहीं, काउंटर नैरेटिव तो आप देने जा रहे हैं, वो भी आपकी ही बात को सपोर्ट कर रहे हैं। और कुछ सर, ये जो शायरी वायरी है दूसरी लैंग्वेज, शायरी वायरी नहीं तो जब अब सवाल खत्म हो गए खान, दरवाजा खोल दें, ये आखिरी दिन नहीं, कल भी मिलेंगे जी, अपनी ओपिनियन दे सकते हैं सारे, ऐसे है भी आपकी ओपिनियन पे आई और वी क्यों आई और वी आएगा ही नहीं, गलत है ना, वन कैन से इट इज जनरली बिलीव्ड पीपल से इट इज अ फैक्ट, समझदारी का मुजाहरा करें जी सर, से इंपार्शियलिटी कांसेप्ट जाता रहता है ना जी सर, आर्टिकुलेशन कैसे होनी चाहिए ऐसे में, प्रॉपर ग्रामर का यूज ये वो सारी चीजें, ये देखें प्रॉपर ग्रामर का यूज ये है कि आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इन सारी चीजों का पता है, नाउन क्या है प्रोनाउन क्या है आपको सारी चीजों का पता है ना, तो सेंटेंस किस तरह बनता है, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच गिव्स अ कंप्लीट सेंस, तो वो सेंस दे रहा है, That's okay. सर जैसे वो कहते हैं कि parallelism होना चाहिए sentence में, वो असल में expression सर क्या है, ये expression होता है। देखें parallelism, मैंने जो बाद में शुरू में बात की है कि बात से बात निकले, ठीक है ना, ये ना हो कि त्रोड़ मरोड़ के आप बात कर रहे हैं, ऐसा लग गया है कि आपने बार बार रुक के लिखा है, आपके thoughts के अंदर distortion आ रही है, flow हो उसमें parallelism भी आ जाएगी, ऐसा फ्लो है जैसे नहर का पानी बह रहा होता है, इस तरह आपके अपना फीलिंग्स का आउट फ्लो होगा तो ऐसे पास हो जाएगा, ठीक है? चलो खाना खोलो दरवाजा, कल मिलते हैं, कल हम प्रोवर्बियल ऐसे से डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे, इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे उसका, ये मैंने आपको नहीं बताना कि एक तीसरे स्टेटमेंट होती है जनरल, कल हम तीन चीजें लिखेंगे इंट्रोडक्शन में, वो तीन चीजें कैसे डिस्कस करें ताकि हम इंट्रोडक्शन अच्छे तरीके से लिख सकें, टेंजिबल, ताकि हमारे पास बेस हो उस बेस के ऊपर हम लिखें। चलो Congratulations. Thank you. Okay, fine.
फेल हो जाएगा छे Thank you.